आज के टाइम पे यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें लोगों ने बता रखा है कि आप बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बना के बताइए कि क्या बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम चलाना पॉसिबल है, किसी को पैसे ट्रांसफर करना क्यूआर कोड के थ्रू या ऐसे ही, और मोबाइल रिचार्ज किसी के नंबर पे पैसे सेंड करना, किया या पॉसिबल है बिना बैंक अकाउंट के। तो आज की इस वीडियो में यही सब एक्सप्लेन करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में नहीं लिंक पे क्लिक करना चाहते आप तो प्ले स्टोर पर आके पेटीएम को डाउनलोड कर लें। पेटीएम डाउनलोड करके ओपन कर लें आप। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दें और प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक कर दें, अलाउ कर दें जो भी आपसे ये परमिशंस मांगता है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड के आपके मोबाइल नंबर को ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है ये मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड करके। अब यहाँ पे पेटीएम में हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आप ये जो आप यहाँ पे प्रोफाइल आइकॉन देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है लिंक बैंक अकाउंट का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपसे एक बैंक अकाउंट तो लिंक करने के लिए कह रहा है। अब आपको मैं थोड़ी सी प्रोसेस समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल। ये जो ऐप है, ये जो पेटीएम ऐप है, ये एक माध्यम है पैसे सेंड करने का, पेमेंट करने का, रिचार्ज वगैरह करने का। लेकिन इसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, राइट? तो आप ये वीडियो देख के भागना मत यहाँ से कि बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे, बंद कर देते हैं वीडियो को। आपको ध्यान से समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सारा सॉल्यूशन दूंगा बैंक अकाउंट का भी यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे आपको पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर पैसे मंगाने के लिए या किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक पैन कार्ड हो और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ही खोल सकते हैं, राइट? इस सब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, दो वीडियो बना रखी है, एसबीआई में अकाउंट ओपन करने की और जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने की। दोनों वीडियोस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देख के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं। और वो जो बैंक अकाउंट है उनका आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है जिससे आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप उन डेबिट कार्ड से पैसे वगैरह भी निकाल सकते हैं एटीएम से। वो आपका बैंक अकाउंट आपके जैसा फिजिकल जाके आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उसी के जैसा अकाउंट होगा। और वो जीरो अकाउंट है उनमें आपको कोई मेंटेनेंस फीस नहीं होगी, कोई मतलब बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। या फिर आप ऑनलाइन नहीं खुलवाना चाहते तो फिर आप कहीं पर अपने लोकल में ब्रांच में जाके, किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज के टाइम पे अकाउंट खुलवाना काफ़ी यहाँ पे नॉर्मल हो गया है, राइट? या फिर ऑनलाइन ही काफ़ी सारे बैंक हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोल के दे रहे हैं। आप कोई भी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक में अपना ऑनलाइन। आजकल सारे बैंकों ने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस दे रखी है। तो आपको एक अकाउंट ओपन तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यदि कोई कहता है कि आपसे बिना बैंक अकाउंट के आप पेटीएम यूज कर पाएंगे तो वो गलत कहता है। ऐसा कोई भी फीचर पेटीएम में नहीं है, राइट? पहले था, पहले आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट खोल सकते थे, पेटीएम में ही बैंक अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसे यहाँ पे बैन कर दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक को। तो आप पेटीएम में अकाउंट नहीं खोल सकते, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं खोल सकते, पेटीएम का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लें यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दें, राइट? लिंक बैंक अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दें, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है उस बैंक पे यहाँ पे क्लिक कर दें। बैंक नहीं दिखता तो बैंक का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रिसीव मनी फ्रॉम एनी यूपीआई ऐप पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ओके गो एड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड होके आ जाएगा। आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे एक क्रिएट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्रिएट पिन का ऑप्शन। तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी वगैरह, और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर आप अपना एक यूपीआई पिन बना लें। वही पिन आपको हर बार पेमेंट करने में काम में आएगा, उसी पिन से आप पेमेंट कर पाएंगे। और किसी किसी बैंक में क्या होता है कि आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ना हो तब भी आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल के, यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर डाल के आगे का, और आप प्रोसेस कर पाएंगे, आधार कार्ड से भी यूपीआई पिन बना पाएंगे। और जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन बना लेंगे अब यहाँ पे आप तैयार हो जाएंगे किसी को भी पेमेंट करने के लिए। स्कैन एंड पे पे क्लिक करके आप किसी के क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे इनेबल कैमरा कर देंगे, और किसी के भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप दुकान वगैरह पर कोई सामान खरीद लेते हैं वहाँ पे स्कैन करके, और पैसे टाइप करके अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर पाएंगे। आप किसी के मोबाइल नंबर पे पैसा सेंड करना चाहते हैं तो टू मोबाइल नंबर और टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे जिसको आप पैसे सेंड करना चाहते हैं, और नीचे पे क्लिक कर देंगे आप,
और यहाँ पे पैसे टाइप कर लेंगे कितने रुपए सेंड करना चाहते हैं इस टाइप से, और प्रोसीड टू सिक्योरली पे क्लिक करके, और यहाँ पे पे सिक्योरली पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल के राइट के साइन पे क्लिक करके आप किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं किसी के भी मोबाइल नंबर पे। और यदि आप किसी से पैसे मंगाना चाहते हैं तो सिंपल सा आप उसको अपना जिस नंबर से आपने पेटीएम अकाउंट बनाया है वो वाला नंबर दे दो, तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जो बैंक अकाउंट आपने पेटीएम से लिंक कर रखा हुआ। यहाँ पे टू बैंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसा सेंड कर सकते हैं उसका अकाउंट डिटेल डाल के। और यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करके आप हिस्ट्री देख सकते हैं जिन भी लोगों को आपने पैसा ट्रांसफर किया हुआ या जिन लोगों ने आपको किया हुआ वो हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको एक चेक बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल के आप अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज, बिजली का बिल, आप कुछ भी काम कर सकते हैं सिंपल सा एक बैंक अकाउंट ऐड करके। बैंक अकाउंट मैंने आपको बता दिया, आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं या ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। आजकल बैंक अकाउंट ओपन करना काफी सिंपल हो गया है और आप पेटीएम यूज कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।